आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में दो कथन दिए गए हैं और उन कथन के चार निष्कर्ष दिए गए हैं, तो हमको कथन को ही सत्य मान के चलना है। ओके फ्रेंड, और उसी कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष के आधार पर यह पता लगाना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास ये दो कथन दिए गए हैं और यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए हैं और हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर फोर, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम कथन पे पूछते हैं। कथन देखो क्या कहता है। कथन बोलता है सभी पत्थर पुरुष हैं। ओके फ्रेंड, तो सभी पत्थरों को पुरुष बता दिया गया है, तो सब यहाँ पे हमने पत्थर बना लिए। सभी पत्थर क्या बना दिए गए? पुरुष बना दिए गए और ये हमारे पुरुष हो गए। ओके फ्रेंड, तो देखो यदि ये पत्थर है तो सभी पत्थर क्या हो गए? पुरुष। ओके फ्रेंड, फिर दूसरा कथन दिया गया है सभी पुरुष क्या दे दिए गए? बाघ। सभी पुरुष बाघ बना दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे एक बाघ का और क्रिएट कर लेते हैं। अब ये क्या हो गए? बाघ हो गए। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे बाघ हो गई है बाघ। ओके फ्रेंड, अब हमारे निष्कर्ष क्या बोलते हैं? निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष बोलता है कि सभी पत्थर बाघ हैं। क्या बोलता है? स्थर बाघ हैं। देखो सभी पत्थर बाघ है। देखो बाघ के अंदर ही पत्थर आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं। अगला बोलता है सभी बाघ, ओके क्या बोलता है? सभी बाघ पत्थर हैं। देखो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि सभी पत्थर बाघ हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी बाघ पत्थर नहीं है, क्योंकि पत्थर का छोटा पोर्शन है और बाघ के अंदर ही पत्थर आता है। ओके फ्रेंड, तो बिल्कुल गलत हो गया। अगला निष्कर्ष दिया है हमारा सभी पुरुष पत्थर हैं। देखो ये भी गलत हो गया, सभी पुरुष पत्थर नहीं, क्योंकि सभी पत्थर पुरुष हैं लेकिन सभी पुरुष पत्थर नहीं है। ओके फ्रेंड, ये भी गलत हो गया। उसके बाद दिया गया कुछ बाघ पत्थर हैं। देखो ये बिल्कुल ठीक है, जैसे ये बाघ है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? पत्थर हो गया, ये बाघ हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बाघ क्या है? पत्थर दिए गए हैं और सभी पत्थर बाघ दे दिए गए हैं, तो इस आधार पर कुछ बाघ पत्थर हैं बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड, तो इस आधार पर हम क्या देख लेते हैं? निष्कर्ष देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोलते हैं। देखो पहला क्या था? केवल निष्कर्ष, सेकंड तथा थर्ड ठीक है। देखो ये गलत हो गया, सेकंड तो बिल्कुल गलत है, केवल निष्कर्ष वन और फोर्थ ठीक है। देखो हमारी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सभी निष्कर्ष ठीक नहीं है और सेकंड निष्कर्ष भी गलत है। ओके फ्रेंड, तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।